गरम गरम। आगा सर वीडियो वीडियो क्यों बना रहे हैं? नमस्ते गाइज, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है विवेक और आप है ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब पे। तो आज की हमारी जर्नी शुरू होने वाली है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, ट्रेन नंबर 85250 से, कि मुंबई विशाखापट्टनम एक्सप्रेस जो है हफ्ते में सारे दिन चलती है और ये डिस्टेंस कवर करती है लगभग 1600 किलोमीटर जो 29 आवर्स लेती है और ये एक एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर पे ऑपरेट करती है। हमारी ट्रेन की जो बुकिंग है 3 टायर AC पे हुई है, कोच नंबर B2 है। ट्रेन की शुरुआत ठीक टाइम पे हो गई, ये 6:55 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना हो गई थी। बारिश का मौसम था और शायद थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा था पटरियों पे उस दिन, तो हमारी सबसे पहली अनस्केड्यूल स्टॉप हुई थी कल्याण जंक्शन पे। मुंबई के भीड़ भाड़ से छूटने के बाद ट्रेन ने काफी अच्छा स्पीड पकड़ लिया और सीधे चलते गई लोनावला की तरफ। तो ट्रेन की जर्नी शुरू होके ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है और अभी तक मैं सोच रहा हूँ एक भी चाय वाला नहीं आया यार ये ट्रेन में। सुबह क्या 7:30 और चाय की बहुत तलब हो रही है यार। थैंक यू। तो अभी करजत में वड़ा पाव मिला है, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। काफ़ी बढ़िया है, एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन वड़ा पाव रहता है जैसे का वैसा ही है। करजत को पार करते ही कुछ ही समय में हम लोनावला की घाटियों को पार कर रहे थे। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं बारिश के मौसम में लोनावला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है और मैंने तो पहली बार ट्रेन से ये जर्नी की है तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा ही स्पेशल है। काफी साफ सुथरा है, काफी बेसिक ही है। इंडियन WC है यहाँ पे, आपको यहाँ पे फ्लश का बटन है, आपको यहाँ पे जो पाइप जेट लगता है वो है, एग्जॉस्ट पंखा इधर है, काफी बढ़िया ब्राइट लाइट भी है, सोप डिस्पेंसर और रनिंग वाटर सब कुछ है और सिंक भी काफी साफ है। साफ सफाई मेंटेन की जा रही है एटलीस्ट यहाँ पे। फर्स्ट स्टॉप ऑफिशियल फर्स्ट स्टॉप हो गई है, हम लोग अभी पुणे जंक्शन में रुके हैं। तो यहाँ पे अभी ट्रेन की हॉल्ट है केवल 5 मिनट और ट्रेन चल रही है कम से कम 7 से 8 मिनट बिफोर टाइम। मुझे लगा था लेट होगी क्योंकि 2 अनस्केड्यूल्ड स्टॉप हो गए थे ये पहुँचने के पहले, बट ट्रेन ऑब्वियसली टाइम पे भी चल रही नहीं है, उसके पहले चल रही है। अगर किसी को पता नहीं तो बता दो कि ए व्हीलर एंड को इज वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट स्टेशन में जो वेंडर्स हैं, दे सेल बुक्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल रेलवे स्टेशन। देखिए इधर आपको दिख भी रहा है, भाई साहब पहले बुक भेजते थे ना इधर, अभी ये स्टॉल बन गया। बुक भी है वो दोनों है थोड़ा। पहले तो सिर्फ बहुत जब मैं छोटा था तभी देखता था तभी सिर्फ बुक ही मिलता था ना व्हीलर में, और अभी स्टॉल बन गया। ये भी मिलता है। हाँ मल्टीपर्पज हो गया ये। हाँ मल्टीपर्पज हो गया है ना, बढ़िया है। तो इसके हिसाब से ना टाइम के हिसाब से चेंज होते जा रहा है और अभी बुक्स के साथ साथ स्नैक्स भी यहाँ पे यही ए व्हीलर में मिलता है। पुणे रेलवे
स्टेशन के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये है कि पुणे रेलवे स्टेशन वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में। इट्स 163 ईयर्स ओल्ड ऑफिशियली, और उसके साथ में इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुई थी ब्रिटिश टाइम में ऑलमोस्ट 1925 में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन और काफ़ी सारे ट्रेन जहाँ पे आते हैं और हॉल्ट होते हैं, और मुंबई पुणे के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। पुणे अहमदाबाद डुरंटो एक्सप्रेस। तो वक्त हो गया है 2:30, ट्रेन हमारी टाइम पे चल रही है और कोई ऐसा डिले नहीं हुआ है। सोलापुर पहुंच गए। अभी मैं अपने जो ऑनलाइन मैंने फूड ऑर्डर किया है वो आदमी को ढूंढ रहा हूँ कि किधर है, मेरा पार्सल पिकअप करने का है, बाद में आपको जानकारी देता हूँ स्टेशन के बारे में। तो अभी हम चल पड़े हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन से। ज़्यादा जानकारी आपको स्टेशन पे दे नहीं पाया था क्योंकि मैं मील वाले को ढूंढ रहा था, पर सोलापुर इज़ द फोर्थ क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन दी एंटायर कंट्री और A1 रेलवे स्टेशन का ग्रेड भी दिया जाता है। ये जो ट्रेन है विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, ये यहाँ पे आती है लगभग 2:15 को और 10 मिनट्स का केवल हॉल्ट है ये स्टेशन पे। तो ये मेरा मील है, मुझे रोटी आई है मिक्स वेज जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुकुम्बर सैलड, पिकल एंड वाटर बॉटल, ऑल दिस फॉर 111 rupees ओनली IRCTC के ऐप के थ्रू। टेस्ट के बारे में अगर आपको बोलूँ तो ये बहुत अच्छा है, मतलब एडेबल है, ट्रेन फूड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और अच्छा ऑप्शन है फॉर ओनली 100 rupees के अंदर में, काफ़ी अच्छा चॉइस है। खाने के टेस्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो खाना बहुत ही बढ़िया था, वो मिक्स वेज और तीन रोटी एकदम परफेक्ट था 90 rupees में, और आपको क्या चाहिए, मुझे एक बॉटल पानी के साथ 111 में पड़ा, तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो एक बॉटल पानी दो ना यार, कितना है उसका? 20 और 25-30 ये भी एक दो। अभी हम जो स्टॉप पे है वो है वाड़ी जंक्शन, ये आता है कर्नाटका में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट, पर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अभी रुकी पड़ी है ट्रेन। और ये स्टेशन में 4 ही प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे सबसे पहले रेलवे स्टेशन जब बना था इट वॉज इन द ईयर अराउंड 1875 में ब्रिटिश एरा में बना था, और आज भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये यहाँ से हैदराबाद को कनेक्शन करने के लिए एक एक्सचेंज जंक्शन है। थोड़े देर बाद हमने तांदूर स्टेशन पास किया जो अपने तांदूर लादी के लिए इंडिया में बहुत फेमस है। शाम के 6 बज के पार हो गए थे और ट्रेन काफी अच्छी स्पीड पर चल रही थी। इसके बाद विकराबाद जंक्शन और लिंगमपल्ली हमारा अगला स्टेशन था। आपको इस ट्रेन के बारे में फाइनल मेरे इंप्रेशन बोलूँ तो ये है कि ट्रेन साफ़ सुथरा है, अच्छा मेंटेन्ड है, पर सर्विसेज थोड़े ऑन पार नहीं है, थोड़ा ढीला सा है, पर चल जाएगा। आपको शॉर्ट जर्नी है जैसे मेरा था 12-13 घंटे का, तो एब्सोल्युटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो उस हिसाब से सर्विसेज इम्प्रूव हो सकती है। ट्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर मैं समझ सकता हूँ कोरोना काल चल रहा है तो ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं हमें, बट बाय एंड लार्ज थोड़े स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए। हैदराबाद पहुंच गए हैं। ये ट्रेन की ट्रिप टोटल 1 घंटा ट्रेन लेट थी हमारी, पता नहीं क्यों, बहुत सारे जगह पे अर्ली थी, पर हैदराबाद पहुँचते पहुँचते काफ़ी डिले हो गया है। और ये ट्रेन का फेयर अगर आपको बोलूँ तो मुझे 1100 रुपये में थर्ड टायर AC पड़ा है, और इट वॉज अ गुड जर्नी।
और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको वीडियो तो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और ये वीडियो को लाइक करने भूलिए मत। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं जल्द। ट्रैवलिंग बंदा आउट।